HK24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वार्ड नंबर 23 में MLC विजय सिंह और कांग्रेस के लीडरों ने कैंडिडेट लक्ष्मीबाई फुले के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग की, जिसमें MLC विजय सिंह ने लोगों से अपील की कि कांग्रेस को वोट दे और कहा कि कांग्रेस के कैंडिडेट लक्ष्मीबाई फुले कंपलसरी जीत रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, एडमिशन आर ओपन, नसीब होटल, टी पॉइंट एंड टिफिन सेंटर। कैंडिडेट को जिताने के लिए आए हैं हम। पिछले बार भी वो बहुत कम वोट से हारे थे, यही जो वार्ड से बहुत कम वोट से, 8-10 वोट से हारे थे, तो बहुत कम मार्जिन था और लोगों का संपर्क में अब हम काफ़ी देर से यहाँ पर घूम रहे हैं, तो देख के मालूम पड़ता है लोगों का संपर्क और लोगों का विश्वास उन पर है, ये हमारे कैंडिडेट पर है और मुझे पूरा यकीन है कि 100% यहाँ जीतने वाले हैं, 100% जीतते बोल के यकीन है। तो और हमारे सदर साहब भी बता रहे थे कि बहुत सारा काम हम त्रिप्रांत में दिए हैं जब हमारा गवर्नमेंट था और आप प्रेसिडेंट थे, तो यार करीबन 2.5 करोड़ 3 करोड़ का 3 करोड़ 20 लाख का काम दिया है खाली, तो खाली सिर्फ यहाँ पर, तो लोगों को भी मालूम है वो कितना काम करे हैं। जब बी नारायण थे तभी भी बहुत सारा फंड आया था यहाँ पर, तो यहाँ के लोग और कभी भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर मल्लू भी है, उन्होंने बाजू के कॉरपोरेटर हैं, उन्होंने भी कैंपेन कर रहे हैं, तो सब लोग, हम सब लोग मिलकर कैंपेन कर रहे हैं, तो हमको पूरा विश्वास है कि जीतेंगे और लोगों के प्रति जो अब इधर यहाँ पर जो महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया है ना, इसके ऊपर बहुत क्रोध है, गैस का भाव बढ़ गया है, बहुत क्रोध है लोगों में, तो ये क्रोध कल आपको रिजल्ट आए के बाद मालूम पड़ेगा, है ना। MLA शरण सरकार ने कहा है कि दोनों वार्ड में 100% बीजेपी जीतेगा, वो बोलते बोलते अब देखो, हम भी बोलते हैं, उन्होंने भी बोलते हैं, आप आके देखो रिजल्ट के दिन कौन जीतता है बोल के, है ना, रिजल्ट क्या बोलता है वो करेक्ट है। 10:30 बजे है ना, आके देखो, बोलते बोलते बसव कल्याण का बै इलेक्शन वार्ड नंबर 23 इवती दिवस नम कांग्रेस पक्ष अभ्यर्थिया लक्ष्मीबाई भीमशा फुले कणक्कीळिदिद्दारे। आ अभ्यर्थी सततवा 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೂರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತದೆ, ಹಿಂದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಈ ಸತಿ ಜನರು ಮತ ನೀಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ। ದಿವಂಗತ ಬಿನಾರಾಯಣ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಮಾತಾ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಬಜೆಟ್ ನೀಡಿದರು, ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನೀಡಿದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂಬ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ। ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕಂತ ಕಳ್ಕಳಿ ವಿನಂತಿ। ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಭೀಮಶಾ ಫುಲೆ ಅವರು।